हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नेताओं का प्रचार अभियान भी जोर पकड़ता जा रहा है। कालका से लगातार चार बार विधायक और हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता पंचकुला विधानसभा सीट से भावी उम्मीदवार चंद्रमोहन ने भी पंचकुला विधानसभा में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के नया गांव भगवानपुर माता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट भंडारा हॉल में समस्त गाँव वासियों और चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए चंद्रमोहन ने कांग्रेस पार्टी के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन का गांव में पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पंचकुला से हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।